नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम ठीक पढ़ा। पाकिस्तान में एक और बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है और इस स्ट्राइक में कई लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। क्या है पूरा मामला उसे बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से। तो दोस्तों, जब से अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा किया है तब से पाकिस्तान में अब तक कई बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट तालिबानी नहीं करते हैं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बलूच विद्रोही करते हैं, जिसका साथ तालिबान शायद देते रहते हैं। इसी बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में बुधवार यानी कल एक पुलिस वैन के पास एक विस्फोट हुआ है। विस्फोट इतना बड़ा था और भयंकर था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक पाकिस्तान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल था। साथ ही 25 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़ा और अभी बढ़ भी सकता है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा के फतिमा जीना रोड पर यह हमला हुआ है। वहीं खुफिया सूचना के अनुसार धमाके में 2 से 2.5 किलोग्राम विस्फोट का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पाकिस्तान के उप महानिरीक्षक ऑपरेशन फिदा हुसैन ने मीडिया को बताया कि शाम करीब 7 बजे एक विस्फोट धमाका हुआ था। इसके इलाके में सिटी पुलिस थाने की एक पुलिस मोबाइल वैन भी मौजूद थी। हालांकि उतनी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि विस्फोट कैसे हुआ, लेकिन विस्फोट से काफी नुकसान हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई और पुलिस अधिकारी समेत कम से कम 2 दर्जन लोग घायल हो चुके हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। इस घटना में उप अधीक्षक पद के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भी मौत हो गई है जो उस वैन में मौजूद थे। हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बलूचिस्तान प्रांत में कई बड़े हमले हो चुके हैं जिसका अंजाम बलूच विद्रोहियों पर है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में गरीबी बहुत ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार इस इलाके पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए वहाँ के लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करते हैं। खैर, आपका क्या राय पूरे इस घटना पर? क्या बलूचिस्तानियों ने इस घटना को अंजाम दिया है? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से। आगे जो भी इस घटना पर खबर आती है मैं आपको बताता रहूंगा, जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।